एपिसोड की शुरुआत में एडो को दिखाया जाता है जो बेसिकली मेकअप रूम में मेकअप कर रहा है। बेसिकली उन्हें एक शो है जिस पे परफॉर्मेंस करनी है और यह भी एक लड़की उसे कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही सुंदर लग रहा है और उसका नाम है ईशोई। तो यह बार लव प्रोग्रेस नाम की उस शो की ऊपर फोकस होती है जहाँ पर एक एंकर कहती है ईशोई के बारे में। बेसिकली उसकी काम बायोडाटा को हमें स्क्रीन पर दिखाया जाती है। उसके बाद इराडो उसकी बायोग्राफी भी हमें यहाँ पर नजर आती है स्क्रीन पर। बेसिकली उसे म्यूजिक और वॉयस एक्टर की काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसकी उम्र है 23 ईयर। तो खैर उन लोगों की बायोग्राफी सभी लोगों को दिखाया जाती है और उसके बाद एनकार उन दोनों को स्टेज पर आने के लिए कहती है। उसके बाद दिखाई जाती है उन दोनों स्टेज पर आ जाती है और यह बार उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तालियां मिल जाती है। तो यह बार एनकार उसे कहती है तुम लोग कहाँ पर मिले। उसके बाद हमें फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त लिजी उसे कह रहा है इस शो के बारे में और उसे कह रहा है अगर तुम जापान जाके पढ़ना चाहती हो तुम्हें ये काम करने की होगी, उसके बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगी, फिर तुम जापान जाके पढ़ भी सकती हो। यहाँ पर उसे रोल प्ले करना है। ये सब उन लोग फ्लैशबैक पर लेकर जाके हमें दिखाया है। तो प्रेजेंट में आते ही वो कहती है हम लोग लाइब्रेरी पर मिली है। उसके बाद उसे पूछा जाती है उसका रिलेशनशिप कब तक चल रहा है। वो कहती है 2 दिन। उसके बाद दिखाया जाती है एंकर कहती है 2 दिन की मतलब। फिर हमें दिखाया जाती है शुई उसको पास लेती है और फिर कहती है बेसिकली वो नर्वस हुई है इसलिए किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकती है। एक्चुअली हमारी 6 महीने पूरे हो गए अगले 2 दिन में, ये सब वो बताना चाहती है। उसके बाद दिखाई जाती है इस शो की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका टीवी RPV बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद दिखाई जाती है उसे अपने पास बुला लेती है शुई और फिर उसे कहती है माफ़ी मांगने के लिए। तो कुछ देर बाद शोज भी ख़त्म हो जाती है। शुई अपनी कार से घर जाने वाला ही है तभी उसके पास आती है इराडो। उसे कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहना। उसके बाद दिखाई जाती है वो कुछ भी ना कह के सीधे यहाँ से चले जाती है। इराडो की मॉम के ऊपर सीन लेती है जिसे बेसिकली पता लग चुकी है उसकी बेटी की इस किया धारा के बारे में। उसकी सारी फ्रेंड हंसती है उसके ऊपर। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाती है उन दोनों की और उन दोनों ही आप इस एक्टिंग को और नहीं बढ़ाएगी। तो इन लोग इस चीज़ को और नहीं बढ़ाएगी ये इन दोनों ने कह दिया। उसके बाद दिखाया जाता है शेंग और लिजी जो बेसिकली उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे हमें मिल जाएगी। उसके बाद दिखाया जाती है इराडो की फ्लैशबैक की कहानी जहाँ पे हमें नजर आती है वो एक वॉइस एक्टर की ऑडिशन में गया है और यह बार वो इंटरव्यू देना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर हमें नजर आती है शुई। बेसिकली वो ये सब को सुन रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगती है। उसके बाद दिखाई जाती है उन सारे लोग कहती है तुम आप जा सकते हो। उसके बाद इन लोग डिसीजन लेते हो, कहता है यहाँ पर रिकमेंडेशन से एक लड़की आया है उसे ये जॉब मिलना चाहिए। वो कहती है वो तो बहुत अच्छा बोला ये बोल के वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें सीन लेती है वही लड़की के ऊपर जो यहाँ पर सारे लड़की को कह रहा है ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर आज शुई तो यहाँ पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करती है इराडो और फिर दिखाया जाती है वो कुछ भी ना बोल के यहाँ से चले जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में ले आती है और यहाँ पर हमें नज़र आती है उसे लेकर ऑफिस पर आया है शुआई और यहाँ पर इराडो सभी से माफ़ी मांगते हैं, सभी को सॉरी कहती है। उसके बाद दिखाई जाती है शुआई से कहती है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तो कहानी आगे चलते और हमें दिखाई जाती है इराडो की घर की कहानी जहाँ पर लिजी उसे मानने की कोशिश करती है इस प्रोग्राम में काम करने के लिए, फिर भी वो ना मानने की जिद पर अड़ी रही हुई है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है शेंग भी उसे मानने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मानना चाहती है। उसके बाद दिखाई जाती है इराडो मान जाती है और लिजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है शुई भी मान जाती है और यहाँ पर शेंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रात में शेंग लिजी और इराडो को दिखाया जाती है जहाँ पर उन दोनों बातचीत कर रहा है सोशल मीडिया के बारे में। बेसिकली उन लोगों की सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और वहाँ पर उन लोगों को फोटोज डालनी इसीलिए डेट पर उन लोगों को जानी है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो सोने के लिए चली जाती है तभी रात में उसे एक बुरा सपने आते हैं जहाँ पर उसे शुई नजर आती है और यहाँ पर दिखाया जाती है वो उसके ऊपर जा रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी लिजी आके उसे कहती है बुरा सपना आया क्या। वो कहती है जल्दी से उठने के लिए क्योंकि तुम्हें आज डेट पर जानी है। वो कहती है मैं नहीं जाऊँगा और फिर हमें दिखाई जाती है उसको लेकर सीधे कार से वही जगह पर लिजी उसे लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पर आने के बाद भी वो नहीं मानना चाहती है, वो नहीं जानना चाहती है, फिर भी उसे धकेल के यहाँ से बाहर निकल देती है। और फिर दिखाई जाती है हमें वो
शुई के पास आ जाती है और शुई उसे कहती है, तुम 11 मिनट लेट हो और हम तुम्हारे पास सिर्फ 50 मिनट की आसपास है। उसके बाद कहती है, चलो हम चलते हैं। उसके बाद दिखाया जाती है उन दोनों एक रेस्टोरेंट पर आती है और यहाँ पर खाना खाती है। तो वो जब फोटो के बारे में बात करती है, सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, तभी उसे फ़ोन पे एक कॉल आती है। फिर वो कॉल के लिए निकल जाती है और तभी यहाँ पर उसकी एक क्लासमेट आ जाती है। उसे कहती है, क्या तुम्हें एक नई जॉब मिल चुकी है? मैं तुम्हें पैसे देने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दे पाया। उसके बाद वो कहती है, ठीक है इस बात को आप छोड़ो भी। उसके बाद दिखाई जाती है उसकी क्लासमेट उसकी गाल पर हाथ रखती है। फिर यह बार आ जाती है शुई और शुई आके उसको दूर जाने के लिए कहती है। उसके बाद दिखाई जाती है शुई रेडो की गाल पर हाथ रखती है और फिर दिखाई जाती है उस क्लासमेट वाली लड़की को कहती है, क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगी? उसके बाद वो कहती है, नहीं खाऊंगा। और फिर उसे कहती है, ये कौन है? उसकी रेडो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर वो लड़की तो चौंक ही जाती है। और फिर दिखाया जाती है हमें शुई उसके मुंह पर खाना देती है और फिर उन लोग फोटो खींच लेती है। तो उन दोनों की डेट की टाइम ख़त्म हो जाती है। फिर उन लोग आगे निकल जाती है अपने घर की तरह। तो यह बार बार आने के बाद इराडो से कहती है कि हम और एक फ़ोटो ले सकती है। उसके बाद दिखाई जाती है उन दोनों एक और फ़ोटो क्लिक करती है। और उसके बाद शुई इराडो को कहती है कैब वगैरह से कुछ भी लेकर चले जाने के लिए, लेकिन वो कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर हमें दिखाई जाती है वो साइकिल लेकर उसके साथ ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई जाती है उन दोनों को जो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर गुस्से से देख रहा है। तो इराडो अपने घर पर चली आती है और लिजी के ऊपर गुस्सा निकलती है। लिजी को कहता है उसका इतना घमंड क्यों है। उसके बाद दिखाई जाती है वो कहती है, ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ ही दिन की तो बात है। और फिर हमें दिखाई जाती है लिटियन नाम की एक लड़की की कॉल आती है इराडो को, जो बेसिकली उसका दोस्त है। उसे को कहती है, क्या कैसे हो तुम? उसके बाद इराडो कहती है, मैं ठीक ठाक ही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत टायर्ड हूँ, मैं बाद में कॉल करके तुम्हारे साथ बात कर लूँगी। बोल के फ़ोन को काट देती है। और हमें दिखाया जाती है उस शोज की सारे ओनर को जो बेसिकली शेंग और लिजी के साथ ड्रिंक कर रहे हैं। उन लोग एक दूसरे से बातचीत करती है, हमारा इस शो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आती है। और फिर दिखाई जाती है उन दोनों ड्रिंक करके अपने घर पर आती है। तो यहाँ पर लिजी शेंग को लेकर उसकी घर तक छोड़ने के लिए यहाँ पर आती है। और यहाँ पर आने के बाद शेंग उसे कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ये बोलते बोलते उसे किस कर लेती है। उसके बाद दिखाई जाती है अगली सुबह की कहानी जहाँ पे हमें लिजी नज़र आती है जो बेसिकली उसके घर तक आती है। और यहाँ पर आने के बाद इराडो उसे कहती है, कल रात तुम कहाँ पर थी? इराडो को कहती है, ओवर टाइम की कुछ काम है और इसीलिए मुझे दोरा लेट हो गया। उसके बाद उसकी बॉडी की स्मेल सूखती है और उसे कहती है, तुमने ड्रिंक किया पूरी रात? वो कहती है, मैं नहीं ड्रिंक किया। उसके बाद उसे चिढ़ाने लगती है। और यह बार इन दोनों में बातचीत चलते रहती है, ये उसको चिढ़ाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ वो भी उसको चिढ़ाने की कोशिश में। उसके बाद दिखाई जाती है लिजी यहाँ से उठ के चले जाती है, कोई भी सवाल का जवाब ना बोल के चली जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती है शाम वाली सीन जहाँ पे हमें नज़र आती है इराडो और लिजी को। बेसिकली लिजी इराडो को एक ड्रेस खरीद देने के लिए उसे शॉपिंग मॉल पर ले आती है। उसके बाद उसे एक ड्रेस पहनने के लिए कहती है और ये ड्रेस उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी यहाँ पर उसकी क्लासमेट आती है और उसे टर्न बनने जैसा बात करती है। बेसिकली इस ड्रेस का 3000 के आसपास है और ये पैसा उनकी कंट्री की है, तो खैर इसे छोड़िए। तो इन दोनों में बातचीत चलती है और उसकी क्लासमेट उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाई जाती है वो जीत पर आ रहती है और इस ड्रेस को खरीद लेता है। फिर घर में आते वो कहता है, कितने सारा पैसा बर्बाद हो गया। फिर वो कहती है, ठीक है छोड़ भी दो इस बात को। फिर दिखाई जाती है उसकी मामू से कॉल करते उसे कहती है, कैसे हो? ये सब कुछ बोलने के बाद उसे कहती है शादी की बात। वो कहती है, ठीक है मैं अब थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में तुम्हें कॉल कर लूँगा। अगले दिन की गाने दिखाई जाती है जहाँ पर लव प्रोग्रेस की उस शो को हमें नज़र आती है और यहाँ पर इराडो और शुई भी होती है। तो यहाँ पर आज की खेल में दिखाई जाती है एक बॉक्स में से एक बॉल निकलनी है। उसके बाद वहाँ पे एक चिरकुट होती है और यहाँ पे उन लोगों के बारे में लिखा होती है द घोस्ट हाउस। फिर हमें दिखाई जाती है एक प्रेस उसे कहती है, क्या भूत से तुम्हें डर नहीं लगती है? फिर इराडो कहती है, भूत और डर
मुझे ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद दिखाया जाता है उन लोगों को एक घोस्ट हाउस इस पार्क में रही, इस जगह पे उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं। फिर इन दोनों में दिखाया जाती है हमें, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है टीवी पर, तो यहाँ पर दिखाया जाती है हमें इराडो जो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और एक समय शुई उसे कहती है मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे चले जाता हूँ, और डरने का कोई भी बात नहीं है। उसके बाद दिखाया जाती है उन दोनों एक नई जगह पर आती है, और तभी घोस्ट की कुछ इफेक्ट चलती है, और ये देख कर इराडो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे उसकी गोद में बैठ जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड 2 की कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।